योम आज़ादी 15 अगस्त। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं जो अपने अपने त्यौहार मनाते हैं, लेकिन कुछ कौमी सदी के त्यौहार भी हैं जिनको सभी मनाते हैं। योम आज़ादी यानी 15 अगस्त का दिन भी एक कौमी त्यौहार है। 15 अगस्त को हम योम आज़ादी मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 से पहले हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे और वह हमें तरह तरह से लूटते थे। उन्होंने 200 साल तक हमारे ऊपर हुकूमत की। हमारे मुल्क के लोग अपनी जानों की बाजी लगाकर अंग्रेज़ों से छुटकारा पाने की एक तहरीक चलाई और उस मकसद में कामयाब हुए। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों ने हमारे मुल्क को आज़ाद कर दिया। उस आज़ादी के लिए हमारे रहनुमा जेल भी गए। इस दिन पूरे मुल्क में छुट्टी रहती है। तमाम स्कूल कॉलेज दफातर बंद रहते हैं। स्कूल में बच्चों को मिठाई बांटी जाती है। इस दिन वज़ीर आज़म लाल किले पर तिरंगा लहराते हुए तकरीर करते हैं। गुज़िश्ता साल की कारगर्दगी और आने वाले साल में तरक्याती होने वाले प्रोग्राम बताते हैं। दूर दूर से आए लोग वज़ीर आज़म की तकरीर सुनते हैं। रात में सरकारी इमारतों पर चिरागा होता है। इस तरह बड़ी धूमधाम से कौमी त्यौहार मुल्क भर में मनाया जाता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।